ये ब्रदर क्लेमेंट कंडुलना सर हैं, जो 1/7/2021 से संत लुइस प्लस टू में आए हैं। इनके आने के बाद इनके कार्यकाल में काफ़ी रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट है और काफ़ी क्वालिटी अच्छी चल रही है। अभी रिजल्ट हर साल सुधार हो रही है। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि ब्रदर क्लेमेंट इस साल 2024 जो रिजल्ट निकली है 30 तारीख को, उस संदर्भ में कुछ बताएंगे कि क्या उनका है। साइंस भी है, आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी यहाँ उपलब्ध है। जी ब्रदर बताइए कुछ। संत लुइस इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हैं, तो हमारा अभी कल ही 12th क्लास का रिजल्ट निकला है। तो रिजल्ट देखने से लगता है कि इस बार हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। आसपास के जो कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनके रिजल्ट की तुलना में संत लुइस इंटरमीडिएट कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा है। साइंस में एक विद्यार्थी जो है एक नंबर के लिए टॉप 10, स्टेट लेवल टॉप 10 में नहीं आ सका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल जो है साइंस में इससे भी और अच्छा करेंगे। कॉमर्स और आर्ट्स में भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, 100% रिजल्ट है। और इस रिजल्ट को देख करके हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत खुश हैं, क्योंकि कल बहुत से शिक्षक शिक्षिकाएं यहां पर उपस्थित थी जब रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, सभी विद्यार्थियों को, उनके जो अभिभावक हैं उनको बधाइयां देते हैं और आगे के लिए ही कामना करते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट है उससे भी अच्छा रिजल्ट आने वाला साल होने की उम्मीद करते हैं और उसी ढंग से हम लोग परिश्रम करेंगे। तो इसी रिजल्ट के साथ साथ अभी 10th क्लास का रिजल्ट भी कुछ दिनों पहले निकल चुका है, तो इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन के लिए हम लोग फॉर्म देना शुरू कर चुके हैं। एक सप्ताह करीब हो गया है अभी फॉर्म देना शुरू किए हैं। अभी तक जैक बोर्ड 10th क्लास के जो विद्यार्थी पास किए हैं वे फॉर्म लेने के लिए आ रहे हैं। ICSE और CBSE का रिजल्ट होने के बाद और भी कुछ विद्यार्थी आएंगे फॉर्म लेने के लिए। तो अभी तक फॉर्म करीब 1000 फॉर्म जा चुका है और फॉर्म का दाम 700 रुपया है। और हमारे इस कॉलेज में उन्हीं विद्यार्थियों को लेते हैं, एक तो जिनका अच्छा रिजल्ट है 10th क्लास में, और जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं रेगुलरली बिना ऑब्सेंट किए, रेगुलर नियमित रूप से जो क्लास अटेंड करना चाहते हैं ऐसे ही विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ रखते हैं। और जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं कर पाते हैं, नियमित रूप से क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हम लोग डिस्करेज करते हैं। इस तरह से हमारा ये जो इंटरमीडिएट कॉलेज है अभी तक तो बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है। और इस वीडियो को जो भी देखेंगे उनसे अनुरोध करते हैं कि आप आकर के देख लीजिए हमारा कैंपस, कॉलेज कैंपस, ऑफिस में आकर के मिलिए और पता लगाइए जो हमने कहा है वो सही है नहीं है, या तो दूसरों से भी आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह हमारा कॉलेज चल रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा अपने कॉलेज के बारे में। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको बधाई हो ब्रदर, आप 100% रिजल्ट काफ़ी बड़ी बात है, वो भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी में। धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे टीचिंग स्टाफ जो हैं काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं आपके गाइडेंस में, और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जरूर टॉप 10 में आएंगे। अभी तो एक ही नंबर से छूटा है, हम लोग मान सकते हैं कि नियर अबाउट वे बच्चे भी हैं और आपके विद्यार्थी JEE मेन, IIT मेडिकल या और भी लाइन जो है नौकरी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर आपको। थैंक यू।